विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुश्किलें भी ऐसी कि प्रत्याशी चुनाव लड़ पाएगा या नहीं ये भी तय नहीं है। जी हां, दरअसल पूरा मामला रायसेन की भोजपुर विधानसभा का है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए सुरेंद्र पटवा का नामांकन फॉर्म होल्ड कर दिया गया है। दरअसल सुरेंद्र पटवा ने दो अलग अलग नामांकन फॉर्म दाखिल किए थे और दोनों ही फॉर्म में उन्होंने जो जानकारी दी वो भी अलग अलग है, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उनका नामांकन फॉर्म होल्ड कर दिया है। सुरेंद्र पटवा के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई, उनके बेटे का फॉर्म भी चुनाव आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब 1 अक्टूबर को निर्वाचन अधिकारी विशेषज्ञों की राय लेने जा रहे हैं। अब सुरेंद्र पटवा का भविष्य 1 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर निर्भर करता है। अगर विशेषज्ञों की तरफ से सुरेंद्र पटवा के नामांकन को हरी झंडी मिल जाती है तो वो चुनाव लड़ सकेंगे, वरना बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है।